गाइस वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले और बेल आइकन भी दबा दें जिससे कि मेरी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। तो मैं हूं निखिल गोस्वामी, वेलकम बैक टू माय चैनल और आप देख रहे हो डिजिटल व्लॉगर्स। आई एम सो सॉरी सबको कि यार मैं ना लास्ट वीडियो में एक पोस्ट पे टाइटल डाल लिया था 3 प्रोडक्ट अनबॉक्सिंग, लेकिन उसमें मैंने 2 ही प्रोडक्ट अनबॉक्स किए थे। सो आई एम सॉरी, और मैंने उसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दिया था कि ट्राइपॉड का वीडियो रह गया है, मिसिंग था, लेकिन अभी मुझको फ़िलहाल ही मेरे लैपटॉप में से मिल गया है। सो गाइज उसको मैं आज एडिट करके आज डाल दूँगा। सो गाइज प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू वॉच विदाउट स्किप, एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ गाइज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर। आई थिंक ये लास्ट ही होगा जो इतना ए, ए, या। लाइट बहुत बढ़िया है लेकिन थोड़ा लाइट वेट है, जस्ट बिकॉज समझ सकते हो यार अभी सस्ते में क्या आएगा। 350-380 तक का मैंने ये परचेस किया हुआ है अमेज़ोन से, ठीक है भाई। गाइस अगर किसी को सस्ता लेना हो ट्राईपॉड तो यूजेबल क्वालिटी लेकिन बहुत ही लाइट वेट है, बिकॉज ये जो है वो एल्यूमिनियम मटेरियल से बना हुआ है, सो इसका वेट बहुत ही लो है। अगर आप किसी ओपन जगह पे, खुली जगह पे इसको यूज़ करेंगे, अगर पवन का झोंका आएगा तो शायद तक ये गिर भी जाएगा। सो समझ लीजिए घर पे टिकटॉक वीडियो बनाने के काम आएगा, बाकी लॉन्ग वीडियो या फिर कहीं आउटसाइड शूट करना हो तो ये आपको इतना भी काम नहीं आएगा। इसकी वजह से एक बात करें तो बहुत आइटम बुरी नहीं है भाई, लेकिन थोड़ा लाइट वेट बनाने सारा, इतना लाइट वेट है कि बोल रहा हूँ ना कोई फ़ोन का झोंका भी आ जाए तो भी गिर पड़ेगा। देखो इतनी हाइट है इसकी, इसका प्रोडक्ट ठीक है, इतना ड्यूरेबल नहीं है अगर बात करें।